वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कुंदरी की सब्जी। मैंने 250 ग्राम कुंदरी लिए हैं। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और पोंछ लिया है। मैंने कुंदरी के ऊपर और नीचे का हिस्सा काट लिया है। दो आलू लिए हैं और एक प्याज लिया है। मैं कुंदरी को लेंथ वाइज काट लूँगी। लंबे लंबे में काटने से कुंदरी जल्दी पक जाती है। मैं सभी कुंदरियों को इस तरह काट लूँगी। कुंदरी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। कुंदरी में रिच सोर्स ऑफ फाइबर, विटामिन बी और आयरन होता है। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी कुंदरी बहुत अच्छी होती है। डायबिटीज़ पेशेंट वाले आलू को स्किप करके इस सब्जी को बना सकते हैं। सभी कुंदरियों को हम काट लेंगे। अब मैं आलू को पहले गोल गोल कर लूँगी, फिर पतला पतला स्लाइस कर लूँगी। अनियंस को भी मैं स्लाइस करके रेडी कर लूँगी। अब मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल को मुझे अच्छे से गर्म करना है धुआं उठने तक। अब मैं मस्टर्ड ऑयल में 5 फोरन और स्लाइस किए हुए प्याज डाल दूँगी। इसे हमें थोड़ी देर फ्राई करना है ताकि ये नरम हो जाए। जैसे ये थोड़े नरम हो जाएंगे, इसमें मैं कटे हुए आलू डाल दूंगी। आलू और प्याज को एक साथ हमें फ्राई करना है। अब मैं इसमें जो कटे हुए कुंदरी थी वो डाल दूंगी। अब इन तीनों को हमें फ्राई करना है। मैं इसमें चीनी, हल्दी और नमक डाल के इसे भुनना है और इसे ढक के पकाना है। करीब 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं ढक्कन खोल के चेक कर लूँगी। कुंदरी, आलू, प्याज काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें पीसा हुआ खसखस, जिसमें मैंने 2 हरी मिर्च डाल दी थी, डाल दूँगी। इसे मैंने मिक्सी में पीस लिया था। गर्म पानी डाल के मिक्सी में पीसने से बहुत जल्दी पीसा जाता है। खसखस गुणों का भंडार है। खसखस में हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। यह अच्छे से भुन गया है, साइड से तेल भी निकलने लग गया है। अब इसे दोबारा हम अच्छे से चला लेंगे। ये एकदम मिश्रण सूखा हो गया है। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी। हरा धनिया डाल के हमें एक और बार मिक्स करना है। अच्छे से मिला लेंगे हम इसे। अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने एक प्लेट में इसे सर्व कर देंगे। पोस्तों से एक बार आप कुंदरी ज़रूर बना के देखिए, बहुत जल्दी बनती है। इसमें एकदम कम मसाले हैं और स्वादिष्ट भी होती है। आप इसे दाल चावल या रोटी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।